हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी पूनम असवार तो आज हम क्वेश्चन आंसर लाए हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के जो कि क्लास टेंथ के हैं तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे और उन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा आपको वो बताना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वैदर मटीरियल मतलब कौन सा मिनरल कौन सा खनिज है जो बनता है जब रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है और वो एक अवशेष टाइप का मटेरियल जो ख़राब हो जाता है उसका जो अवशेष बचता है उससे वह मिनरल बनता है वो कौन सा मिनरल होता है तो इसके ऑप्शन है कोल बॉक्साइड गोल्ड या जिंक तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी बॉक्साइड ओके सेकेंड क्या है सेकेंड में पूछा गया है कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कोडरमा जो झारखंड में है सबसे ज्यादा वहाँ कौन सा मिनरल होता है ऑप्शन है बॉक्साइट माइका आयरन और या कॉपर तो इसका सही आंसर है माइका ऑप्शन बी ओके थर्ड क्या है मिनरल्स आर डिपॉजिट एंड एक्यूमिटेड इन दफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं या इकट्ठे होते हैं वो किस स्ट्रिटा में जो है रॉक्स में इकट्ठे होते हैं तो इसके ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स मेटाफॉरिक रॉक्स इग्निशियस रॉक या नन ऑफ दी अबाव तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक ओके फोर्थ क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन इन दी मोनाजाइट सैंड मतलब मोनासाइड सैंड में कौन सा मिनरल पाया जाता है तो ऑप्शन है ऑयल थोरियम यूरेनियम या कोल तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है थोरियम यानी ऑप्शन बी सॉरी इसमें ऑप्शन सी लिख दिया गया है तो प्लीज़ आप इसको सही कर लीजिएगा यह ऑप्शन सी नहीं है ऑप्शन बी है यानी थोरियम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन थर्टी वर्ड्स आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो तीस शब्दों में लिखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग इज़ नॉट मोर देन थर्टी वर्क यानी आपके वो जो शब्द होंगे जो नीचे डिफरेंस बिटवीन आपको करने हैं वो तीस शब्दों के होने चाहिए फ़र्स्ट है फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल फ़ेरस मिनरल और नॉन फ़ेरस मिनरल में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या है मेटेलिक मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर कॉल फ़ेरस मिनरल एग्ज़ाम्पल आयरन और मैगनीस निकल कोबाल्ट एक्सेट्रा मतलब फेरस निकल मिनरल्स वो होता है मेटा मेटामेलिक मिनरल्स जिसमें लोहा शामिल होता है आयरन शामिल होता है उसे फेरस मिनरल कहते हैं अगर उसके एग्ज़ाम्पल देखे जाए तो वो होंगे आयरन और मैगनीस निकल कोबाल्ट आदि दूसरा है नॉन फेरस मिनरल यानी खनिज किसे कहते हैं मेटलिक मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स एग्जाम्पल कॉपर बॉक्साइड टेन एक्सेट्रा मतलब नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जो मेटालिक मिनरल्स जिसमें लोहा शामिल नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन फेरस मिनरल इसके एग्जाम्पल है कॉपर बॉक्साइड टीन यानी फेरस मिनरल वो है जिसमें आयरन होता है और नॉन फेरस मिनरल वो है जिसमें आयरन नहीं होता है ओके अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताना है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी क्या होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेज विच हैव बिन यूज सिंस द अर्ली टाइम यानी कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी वो है इसका इस्तेमाल बहुत पहले से किया जा रहा है यानी अर्ली टाइम से किया जा रहा है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव जनरली बीन आइडेंटिफाई इन दी रिसेंट पास्ट यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी वो है जो हाल ही के दिनों में प्रयोग में आई है फिर कन्वेंशनल क्या है दे आर एग्जॉस्टिबल यानी वो कभी भी समाप्त नहीं होते और नॉन कन्वेंशनल है दे आर इनऑग्जॉटिबल यानी ये कभी भी ख़त्म होने वाला साधन है कन्वेंशनल में थर्ड क्या है दे कॉज़ पॉल्यूशन वेन यूज एज दे एमिट स्मोक या एश मतलब ये प्रदूषण का कारण बनता है कौन कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरली दीज आर पॉल्यूशन फ्री ये पॉल्यूशन फ्री होता है इसमें प्रदूषण नहीं होता है कन्वेंशनल सोर्स क्या है वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन स्टोर ट्रांसमिट एज दे आर कैरेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रांसमिशन ग्रेड्स और इसके एग्ज़ाम्पल है कोल नेचुरल गैस एंड फायरवुड्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कौन से कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी और इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो होता है कोल नेचुरल गैस वाटर फायर एंड वुड और नॉन कन्वेंशनल में क्या है नॉन कन्वेंशनल है लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लोकल यूज़ एंड ईजी मेंटेनेंस यानी इन साधनों में कम एक्सपेंसिव की ज़रूरत होती है और इसके एग्जांपल है जियो एनर्जी सोलर एनर्जी बायोगैस एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है व्हाट इज़ मिनरल यानी मिनरल किसे कहते हैं खनिज किसे कहते हैं आंसर है अ मिनरल इज़ अ होमोजेनियस नेचुरली आक्रिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटीरियर स्ट्रक्चर मतलब खनिज होमोजेनियस होते हैं यानी मिनरल होमोजेनियस होते हैं प्राकृतिक रूप से निकलते हैं और इसका एक डेफिनेबल स्ट्रक्चर भी होता है ओके फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसी के पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ हाउ आर मिनरल्स फॉर्म इन इग्नीशियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स मतलब इग्नीशियस एंड मेटाफोरिक रॉक में मिनरल का निर्माण कैसा होता है खनिज का निर्माण कैसा होता है तो आंसर है इन इग्नीशियस एंड मेटाफोरिक रॉक मॉल्टन लिक्विड एंड गैसेस मिनरल्स आर फोर्स अपवर्ड इन टू द्रैक्स दे सॉलिडिफाई एंड फॉर्म विंस एंड लोस इग्निशियस एंड मेटाफोरिक रॉक में लिक्विड मोल्टन एंड गैसेस मिलते हैं जिसका निर्माण उस समय होता है जब ये मोल्टन लिक्विड या गैसेस मिनरल फोर्सेस अपवर्ड की ओर धकेले जाते हैं तब ये ठंडे होकर जम जाते हैं और एक परत के रूप में पाए जाते हैं ओके क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो है वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस हमें मिनरल को कंजर्व क्यों रखना आवश्यक है यानी खनिजों को आ, रखना क्यों आवश्यक है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है आंसर है इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स कंपेयर टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ मिनरल्स आर वेरी स्लो हैंस मिनरल रिसोर्सेज आर फिनिट एंड नॉन रिनेबल ड्यू टू दिस इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज मिनरल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर यानी लाखों करोड़ों हज़ारों मिलियन साल लग जाते हैं जो हम प्रेजेंट में मिनरल का यूज़ करें जो हम आज के टाइम में खनिजों का यूज़ कर रहे हैं उससे कम क्वांटिटी में क्या बनता है मिनरल बनता है यानी मिनरल बहुत लाखों करोड़ों साल में बनता है और हम उसे यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसीलिए मिनरल को हमें कम यूज़ करना चाहिए इसीलिए जो मिनरल रिसोर्सेज है वो सीमित है और नॉन रिनेबल मिनरल है इसी कारण मिनरल को क्या करना चाहिए कंजर्व रखना चाहिए अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो कई करोड़ों सालों में बनेगा तो फिर हमें मिनरल कैसे मिलेगा इसलिए हमें मिनरल का यूज़ कम क्वांटिटी में सही मात्रा में करना चाहिए ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स यानी आपको ये जो क्वेश्चन है 120 शब्दों में लिखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया यानी भारत में इंडिया में कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन का आपको डिस्क्राइब करना है विवरण देना है तो आंसर है इन इंडिया कोल कैन बी फाउंड इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस हिंदुस्तान में जो कोयले की जो प्रमुख साधन है जो दो मेन जियोलॉजिकल गैस एजिस हैं वो क्या है फर्स्ट है गोंडवाना और सेकंड है तरशीरी में तो गोंडवाना में 200 मिलियन ईयर ओल्ड है और तरश्रेरी में 55 मिलियन ईयर ओल्ड है द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली वेस्ट बंगाल, झारखंड झारिया रानीगंज एंड बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स दामोदर वैली में वेस्टर्न बंगाल uh, में है झारखंड झारिया में है रानीगंज में बोकारो में यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट कोल फीड्स है दूसरा गोदावरी वैली में है थर्ड महानदी वे महानदी वैली में है सोन नदी में है और वर्धा वैली में है टरी कोल अकर्स इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड शरी कोल क्षेत्र में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी पाया जाता है ओके क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया भारत में सोलर एनर्जी का भविष्य उज्जवल है क्यों है सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा ओके तो आंसर है सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज वी आर tropical country with enormous possibilities of taping solar energy solar energy is a fast becoming popular in rural and remote areas इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर बैंक इज लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज वियर्स सोलर एनर्जी इज यूज टू स्टलाइज कैंस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी एबल टू मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डक्स विच इन टन विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड एडिकुएट सप्लाई ऑफ मैनवर इन एग्रीकल्चर मतलब भारत में इंडिया में सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का फ्यूचर उज्जवल है क्यों क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहां सोलर एनर्जी लेने की अपार संभावनाएं हैं सोलर एनर्जी गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में तेजी से क्या हो रहा है लोकप्रिय हो रहा है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है माधपुर में है और वहाँ पे कहाँ भुज में है जहाँ पे सोलर एनर्जी से दूध के बर्तनों को क्या किया जाता है स्ट्रीलाइज किया जाता है मतलब जो दूध के बर्तनों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारा जाता है ये आशा की जाती है कि सोलर एनर्जी का उपयोग ग्रामीण परिवार के जलाऊ लकड़ी और उपले बनाने को कम कर देगा और एग्रीकल्चर में भी वो क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा क्या सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज़ आल्सो रिनेबल यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी विल नॉट ओनली बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट बट इट विल रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड गैसेस जो सोलर एनर्जी है जो सौर ऊर्जा है वो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी है जो कि रिनेबल है सोलर एनर्जी का उपयोग न केवल इन्वायमेंट के लिए अच्छा होता है बल्कि ये तेल और गैस पे जो हमारी निर्भरता है उसको भी क्या करेगा कम कर देगा जो कि हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं यूज़ करते हैं तो ये था चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए थैंक यू